apocalypse. हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी PUBG मोबाइल में TPP2 FPP का बटन कैसे ला सकते हैं। इसे करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से जाकर एक APK की एक फाइल होगी, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। वो 3KB की फाइल होगी, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे करना है। और ये चाइनीज़ वर्जन में बहुत पहले ही आ चुका है TPP2 FPP बटन, और ये ग्लोबल वर्जन में शायद से 0.13.0 में आ सकता है। और अगर आप इसे अभी यूज़ करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, ध्यान से देखनी होगी, और इससे करना काफ़ी आसान है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपने ज़्यादा अचीवर में। आप चाहे तो इस काम को अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर से भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको वाली फाइल मिलेगी डाउनलोड करने पर 3KB की। आपको इसे लॉन्ग प्रेस करना है और कट पर दबा देना है। आप चाहे तो इसे कॉपी भी कर सकते हैं, इसे कॉपी कर देता हूँ। और अब आपको जाना है अपने डिवाइस मेमोरी में, लेकिन मैंने जो अपनी फाइल है वो पबजी मोबाइल की, वो मैंने अपनी SD कार्ड में रख रखी है। मैं अपने पबजी मोबाइल को SD कार्ड से चलाता हूँ। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि हम SD कार्ड में से गेम्स को कैसे चला सकते हैं। मैंने इसे अपने SD कार्ड में रखा, तो SD कार्ड में जाता हूँ। आपको सेम प्रोसेस अपनी डिवाइस मेमोरी से करनी है। एंड्रॉयड में जाना है, डेटा फोल्डर से काफ़ी स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से मज़ा आ जाए। इसके बाद आपको जाना है ये पबजी मोबाइल की फाइल में com.tencent.ig, ये वाली इस पर जाना है। अब जाना है फाइल्स पे, UE4 गेम्स में ये सेकंड फोल्डर। अब शेडो ट्रैकर में ट्रैकर एक्स्ट्रा पेन जो भी है आपको उसके अंदर जाना है। डिवाइस ही पे दबाना है लास्ट वाली फाइल। अब सेव में, अब आपको यहाँ पे जाना है सेव गेम्स में। अब आपको यहाँ पे लाके इसे बस पेस्ट कर देना है। यहाँ पे रिप्लेस भी बोलेगा, आपको उसे रिप्लेस कर देना है। मैंने इसे पहले ही करके रखा है तो फिर मैं इसे नहीं करूँगा। अब आपका रिप्लेस का ऑप्शन आना चाहिए। अगर आपका रिप्लेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका वाला बटन नहीं काम करेगा। इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसे पहले ही कर रखा है। अब मैं आपको अपने पबजी मोबाइल में जाके दिखाता हूँ कि TPP2 FPP का बटन आया है कि नहीं आया। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका अपने पबजी मोबाइल में, और मैं इसे एकदम दुनिया के सबसे एकदम जुगाड़ू ट्राईपॉड से वीडियो बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। और देख सकते हैं यहाँ पे TPP2 FPP का बटन है जहाँ पर मेरा ये वाला मूट है, तो बस इसे एक बार दबा देना है। देखिए हम FPP में शिफ्ट हो चुके हैं। अभी आपको कुछ सही से दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है, मुझे भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर काम नहीं करता तो ऐसी ही बनानी पड़ रही है मेरी वीडियो। आप सही दिख रहा है, देखिए आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो FPP वाला हो या TPP वाला मैच हो, या आप इसे यहाँ तक कि वॉल में भी यूज़ कर सकते हैं। अपने वॉल मोड या आर्केड कोई भी मोड आप लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको दोबारा शिफ्ट होने के लिए दोबारा इसी बटन पर दबा दें। देखिए आप TPP में आ गए, और इसे आप दबा के FPP में आ गए। आप इसे TPP में काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप मेरा मतलब FPP में अगर आप FPP मैच लाएंगे तो इसके अंदर TPP में शिफ्ट कर देंगे तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बाकी साइड FPP में देखेंगे आप TPP में, और TPP में आपको एडवांटेज होगा कि आप TPP ले सकते हैं दीवारों की दूसरी तरफ से। अगर एनिमी आ रहा होगा तो फिर आपको पता लग जाएगा, मैं अगर वहाँ से कोई एनिमी आ रहा है तो फिर आपको पता लग जाएगा। अगर आप FPP में आएंगे तो फिर आपको उसका पता नहीं लगेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Damn.